दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी, जिसमें पहला है 99 का होल क्यूब। दोस्तों इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, 99 होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं x माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy अंदर ब्रैकेट में x माइनस y। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हम x की जगह पे रख देंगे 100 और y की जगह पे रख देंगे हम 1, तो ये हो जाएगा 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस 1। दोस्तों 100 क्यूब की वैल्यू आएगी 1 और आगे आएंगे 1 2 3 4 5 6 0, 1 के आगे 6 0, क्योंकि यहां पर 100 में होते हैं 1 के आगे 2 0 और इसकी पावर है 3, तो हम लिखेंगे 2 0 2 0 2 0, 1 क्यूब की वैल्यू आएगी 1, 3 इंटू 100 हो जाएगा 300 और अंदर आएगा 100 माइनस 1। तो यहां पर इस वैल्यू को हम वैसे ही उतार लेंगे माइनस 1, 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 30,000 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 300 इंटू 1 हो जाएगा 300। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 970299 एंड दैट इज अवर आंसर। तो बिना मल्टीप्लाई किए 99 इंटू 99 इंटू 99 किए हमने 99 क्यूब की वैल्यू निकाल ली। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अगला है 102 का होल क्यूब। दोस्तों 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, तो 102 का होल क्यूब हो जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं x प्लस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy अंदर ब्रैकेट में x प्लस y। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब दोस्तों इस इक्वेशन में x हो गया 100 और y हो गया 2। अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हम x की जगह पे रख देंगे 100 और y की जगह पे रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3, x की जगह पे 100, y की जगह पे 2 और अंदर 100 प्लस 2। तो यहां पर भी 100 क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600, अंदर वैसे ही उतार लेंगे 100 प्लस 2। तो दोस्तों इस इक्वेशन को हम वैसे ही उतार लेंगे 10 लाख प्लस 8, अब 600 इंटू 100 ये हो जाएगा 60,000 और 600 इंटू 2 हो जाएगा 1200। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1061208 एंड दैट इज अवर आंसर। दोस्तों इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 998 का होल क्यूब। दोस्तों 998 होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो इसमें भी वही इक्वेशन लगेगा x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो ये हमने इक्वेशन वैसे ही उतार ली। अब राइट हैंड साइड में x की जगह पे रख देंगे 1000 और y की जगह पे हम रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3, x की जगह पे 1000, y की जगह पे 2, अंदर ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। तो 1000 का जो होल क्यूब होगा वो होगा 1 के आगे 90। दोस्तों यहाँ पे 1 के आगे 30 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के आगे 30 अगेन 30 और अगर इसका क्यूब करेंगे तो 1 के आगे 30 30 30, टोटल हो जाएंगे 1 के आगे 90। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1 के आगे 90 माइनस 8, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 इंटू 1000 हो जाएगा 6000 और अंदर 1000 माइनस 2 वैसे ही उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 करोड़ माइनस 8, देखिए माइनस 6000 इंटू 1000 हो जाएगा 6 लाख और माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस और माइनस 6000 इंटू 2 ये हो जाएगा 12000।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9940 1192। ऐसा लगता है जैसे किसी का फोन नंबर है, बस एक डिजिट कम है। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।